संगरिया विधानसभा के सभी पत्रकार जनों का यहाँ पर प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं, ये विषय अपने पूरे इलाके के हर एक व्यक्ति को इसने चैन उड़ा रखा है। ये जो परेशानी है, आज के दिन एक एक घर में, एक एक परिवार के अंदर ये बड़ी चिंता बनी हुई है। जिस तरीके से दो नौजवान मौतें नशे के कारण हमारे डाबा गांव के अंदर हुई, एक दुर्घटना जो कोई नशा करने वाले थे उनकी वजह से संगरिया मंडी के अंदर हुई, और जो निरंतर चोरियां हर दिन दिन रात दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, रात को लोगों के घरों में घुस के उनका सोना, उनकी सारी मेहनत की कमाई चोरी हो जाती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई एक्शन ना शासन की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से, ना ही कोई जिम्मेवार व्यक्ति की तरफ से इसके खिलाफ लिया गया है। दोस्तों, मेरे को आज ये बड़ी चिंता का विषय लग रहा है कि अगर इसी तरीके से हमारे जो प्रांत है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रही और जो अपराधी हैं, जो चिट्टा बेचने वाले हैं या और नशे वाले हैं, वो इस तरीके से खुलेआम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सेल जो है उनको बहुत गहरी जड़ों तक पहुँचा रहे हैं, घर घर के अंदर आज के दिन अपने बच्चों को लेके माँ बाप के अंदर ये टेंशन है कि कहीं हमारा बच्चा कोई गलत लाइन में ना घुस जाए, और इसी चीज को लेके आज हम यहाँ पर आप सभी के साथ बैठे हैं। और मैं आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के जरिए, आपके इन कैमरों के जरिए, मैं ये प्रशासन को विनती करना चाहता हूँ। आज तो हम विनती कर रहे हैं, हम प्रशासन को ये विनती करना चाहते हैं कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो नशे वाले खुलेआम नशा बेच रहे हैं, ये जो चोरियां शरेआम हो रही हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। अगर प्रशासन आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता तो आम जन को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, खुद की रखवाली खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको एक पर्सनल एक बताता हूँ, ये यहाँ पे हरिपुरा गांव के हमारे साथी बैठे हैं। हरिपुरा पिंड दे विच पिछले चार दिनों तो लोगों नू आप निगरानी करनी पै रही है। मैनू ये नहीं समझ आती कि भी अपना जिहड़ा प्रशासन है, एडा पुलिस का तंत्र है, वो इन्ना विफल हो चुके हैं भी लोगों नू आप दी राखी आप करनी पऊगी। ढाबा पिंड दे विच कल्ली कल्ली माँ अज दे दिन इस गल नू करलाउंदी है भी साडा दुपहरे जवाक किते उठ के बाहर ना चल जाए, कोई गलत संगति ना पै जाए, कोई गलत लाइन च ना पै जाए, कि प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नशे वाले नशे बेचते रहेंगे, चोरियां वाले चोरियां करते रहेंगे, कल नू जे कोई होर दुर्घटना इत्थे हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मैनू तो ये लगता भी अज के दिन उंगल तो सारे नालों पहला अपने उत्ते चक्की जानी है, क्योंकि लास्ट के ही बच जाना भी बई बच के अपन आप रहना चाहिए। प्रशासन ने कदे भी इस गल तो पला झाड़ लेना, ये तो ये इस वजह से हो गई घटना, ये तो इस वजह से हो गई। तो अज एक सिर्फ संकेतिक जिहड़ा है थोड़े थ्रू असी ये दसना चाहते, प्रशासन भी इन्हां दे खिलाफ़ जिहड़ी है सख्त तो जल्दी कार्रवाई होवे, ते नहीं तो फिर जिहड़ा है सानू सड़कां ते उतरना पऊगा। तो बहुत जल्द अगर कोई एक्शन नहीं होया तो एक संकेतिक धरना संगरिया मंडी SDM उस तो बाद थाना अधिकारी दे मूहरे असी जिहड़ा है वो शांतिपूर्ण असी धरना प्रदर्शन करांगे। फिर उस तो बाद जे कोई एक्शन होया तो ठीक, नहीं तो फिर गांधी जिहड़ी है वो थोनू दस दिता जाऊगा। ये जो आपका जो रहेगा इस ये अभियान है, ये पार्टी स्तर पे रहेगा या व्यक्तिगत स्तर पे रहेगा? सब पार्टी स्तर पे तो ये अभियान है ही है। नशे के खिलाफ आज के दिन पूरे देश के अंदर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो इकलौती आम आदमी पार्टी खड़ी है। आपके बिल्कुल बगल में पंजाब है, आप वहां पर जाके देखिए, वहां पर जिस तरीके से प्रशासन ने जो सख्ती की है, जो नशे वालों के ऊपर नकेल कसी है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण
आज के दिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से चलते। देखिए साहब, अगर अगर प्रशासन चाहे तो एक जेब के अंदर एक पुड़ी भी एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकती। प्रशासन अगर नकेल कसे तो कुछ भी प्रशासन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने लॉकडाउन में देखा है। अगर प्रशासन चाहे तो एक एक व्यक्ति घर में रह सकता है, यहाँ पर तो बहुत थोड़े लोग हैं साहब जिन्होंने ये गलत काम करने हैं, उनको उनकी जो शिनाख्त है वो प्रशासन करे और उनको उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम मांग। जो जिले में कानून व्यवस्था है उसको आप कैसा पाते हैं? साहब सिर्फ जिले की बात नहीं है, ये जो प्रशासन जो आज के दिन पूरे राजस्थान प्रांत के अंदर जिस तरीके से सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है, होटलों के अंदर से सरकारें चल रही हैं, रोज बाड़ाबंदी हो जाती है, ये सरकार पिछले 3 साल में से 1.5 साल तो होटलों की रोटियां खाती टप गई साहब। और इस तरीके से अगर सरकारें चलेंगी तो ये तो जब जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी तो ये तो अपने खुली चेतावनी दे रहे हैं सभी को, हम खुला बुलावा दे रहे हैं, अभी आप आइए हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर कुछ भी करिए, क्योंकि हम सभी तो होटलों के अंदर बैठे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की सरकार है वो सरकार के खिलाफ बोलते नहीं हैं, सबको पता है भी नशा काफ़ी बढ़ा हुआ है। बीजेपी के लोग भी उतने मुखर नहीं हैं। आपके साथ ये समस्या है, आपकी पार्टी का यहाँ पे संगठन प्रॉपर संगठन नहीं है, समस्या गंभीर है, मुद्दा गंभीर है और ये लगातार घटनाएँ हो रही है, आप इससे आपकी लड़ाई कैसे चलेगी? साहब आपने एक सवाल के अंदर 3 सवाल पूछे। सबसे पहले तो आपने ये बोला है कि ये जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है ये इनके खिलाफ नहीं बोलती। साहब मैं आपको बताता हूँ कि चोर चोर मुसरे भाई, ये साहब जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, मासियां के मुंडे है, जो एक का राज आता है क्या तो सारी की सारा जो कुनबा उठ के दूजी चावड़ता है, जो दूजी का राज होता है तो सारे का सारा कुनबे उठ के इधरले पासे आ जाता है। कल तुसी पंजाब दे विच देखे है किस तरीके नाल कांग्रेस के नाम से रोटियां सेकन वाले चार चार पांच पांच वारी के मंत्री मिनट के विच बीजेपी की ट्रेन के विच चढ़ गए। तो बीजेपी कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन्हों का वो थोड़े जे लोगों का एक ग्रोह है, वो जो पलटा मार के इधर आ जाते पलटा मार के उधर चले जाते हैं। जितों तई तुसी गल कही भी उन्होंने आवाज़ ना चकन की, तो वह आवाज़ कदे भी नहीं चकनगी साहब, क्योंकि इन्हों का कितना कितने यह आपसरी के मेलजोल के चलन वाला काम है भी बई तू मेरे खिलाफ ना बोली मैं तेरे खिलाफ ना बोलूँगा, ऐं चलता रहा तो बिल्कुल ऑबवियस जी गल हैगी है कि जोड़ा अपने आम जन है उन्होंने परेशानी तो झलनी पेगी। तो तीजा जोड़ा थोड़ा सवाल सीगा संगठन का, साहब संगठन रूप के बहुत जल्दी थोनू साड़ी आम पार्टी दियाँ सरगर्मियाँ तेज होंगे दिखनगियाँ। पार्टी बिल्कुल ग्राउंड स्तर के उत्ते बूथ लैवल के उत्ते पिंड पिंड एक एक वार्ड के विच काम कर रही है। तो मैं थोनू आश्वासन दे देना चाहना अज के दिन कि अज के दिन तकरीबन ज़्यादा नहीं मैं कहता हर घर के विच एक व्यक्ति ये है जिसे दिल के विच ये आवाज़ है भी आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान के विच आनी चाहिए है। हनुमानगढ़ जिले गंगानगर जिले संघरिया के विच नेतृत्व है जो आम आदमी पार्टी का आना चाहता है। ठीक है।